वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए। काम की बात करें? जी करिए ना सर। तुम्हें एक बहुत खास आदमी का इंटरव्यू लेना है। किसका सर? प्राइम मिनिस्टर का। यू मीन चाय वाले का? हाँ। हम सब भारत के नागरिक, हमारे जो प्रधानमंत्री हमारे नेता है, तो हम उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया है, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है, ये बहुत बड़ी बात है और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। जियान, जियान हैं आप, ये जियान लग देखो ना। नमस्ते सर। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 10 सालों में एक भी किसान आत्महत्या से नहीं मरा। कोई किसान फसल बेचकर घर का खर्चा तो क्या अपने लिए एमएसपी की गारंटी नहीं ले पाता? देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए ग्रेजुएट होकर भी ठेलों पर पकोड़ा बेचते। आईएमएफ का कहना है सर, 2023 में भारत पर कुल 2,00,000 करोड़ से भी ज्यादा कर्ज हो गया, इसलिए आईएमएफ ने देश को चेतावनी दे दी है। सब बकवास है सर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है सर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये देखिए सर, आप सभी के साथ लगातार धोखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है। इस फ्रॉड व्यवस्था को लाने के लिए भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून, आयकर कानून और कंपनी एक्ट में संशोधन किए गए थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? उन्हीं के नेतृत्व में यह कानून पास हुआ जिसे आज कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे, आंखों के सामने उनकी पार्टी ने चंडीगढ़ में जो किया आपने देखा। लोकतंत्र की हत्या की, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, तब भी कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने सामने नहीं आया। 10 दिनों के भीतर मोदी सरकार और उनकी पार्टी का इतना बड़ा फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। प्रधानमंत्री के पास आज मौका है, इसी सवाल पर वे पहली बार, 10 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। जनता को मेरे खिलाफ भड़काने की साजिश है ये। इन सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, इसे खुद मैंने रिसर्च करके बनाया सर। कांग्रेस वालों ने इसके लिए तुम्हें कितना पैसा खिलाया है? अगर आप कांग्रेस में होते तो कितना पैसा खिलाते? जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सवालों को भी जनता तक पहुंचने नहीं दिया गया। भारत के लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कभी नहीं हुआ, आज वो फ्रॉड धर लिया गया। एक नेता जो चुनावों में लगातार हारता है, मगर उसके उठाए सवाल लगातार सही साबित होते जा रहे हैं। 18 नवंबर 2019 का राहुल गांधी का यह ट्वीट है। राहुल ने अंग्रेजी में लिखा है, न्यू इंडिया ब्राइब्स एंड इलीगल कमीशंस आर कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब यही नया भारत है जहां रिश्वत और अवैध कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी की एक और भ्रष्ट नीतियों का सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था, आज इस बात पर मुहर लग गई। सर, आपका इंटरव्यू है सर। घर बार छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। एक और वीडियो है सर। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। सिर्फ स्कूलिंग स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। यानी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो आपकी एमए बीए की डिग्री दिखाई थी, आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। तो जब आपने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं करी, तो ये एमए बीए की डिग्री कहां से आई सर? हा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है सर। ओ हाँ, याद आया, मैंने ही तो छपवाया था उसे। हम देश में जातिवाद और करप्शन खत्म करेंगे, समाज में एकता और कानून लाएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले प्लेन में सफर कर। ये देखिए, बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं,
कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, MLAs की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ED CBI का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना, और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टियर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। 2 महीने तक मणिपुर जलकर राख हो गया क्योंकि आप चुप रहे। आज इस देश का हिंदू मुसलमान आपस में ही लड़ रहा है आपकी वजह से। आपने कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन पर कोई कार्रवाई। मोदी जी, ये चूरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है, और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है, और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। मोदी तेरी माँ का भड़वे, तूने क्या किया रे? हाँ भड़वे, तेरी माँ को सारी ऑटो वाले भड़वे, तेरी माँ की, तेरे को किसने होगा मालूम नहीं? गुजरात के सारे ऑटो ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर के तेरे को पैदा किए। हाँ कीड़े कीड़े पड़ के मरेगा तू। ये रिपोर्ट देखिए सर। न्यूज लॉन्ड्री की 2 दिन पहले की इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ बाकी पार्टीज के खिलाफ नहीं किया जा रहा है बल्कि देश में कंपनीज के खिलाफ भी किया जा रहा है। कम से कम 23 ऐसी कंपनीज जिन्होंने आज तक BJP को कोई पैसा नहीं डोनेट किया था, उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज की रेड होती है और एक पैटर्न देखने को मिलता है। रेड के बाद वो कंपनीज करोड़ों रुपए डोनेट करती है BJP को। टोटल में 335 करोड़ रुपए इन कंपनीज ने BJP को डोनेट किए जिन पर IT या ED की रेड पड़ी थी। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? आल आउट ऑफ रेस्ट। मुझे माफ कर दे, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं मोदी जी को कभी गाली नहीं दूंगा, मैं मोदी जी को कभी बुरा नहीं बोलूंगा, मैं मोदी जी को कभी गाली नहीं दूंगा। मुझे क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए? इसका तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको, और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट, और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स जी।